उपचुनाव में लोकसभा जैसी फजीहत ना हो, इसके लिए बीजेपी ने कमर कसी हुई है। सोमवार को सुबह से ही भाजपा के शीर्ष नेता लखनऊ में बैठक कर रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई मुद्दों और विषयों पर गहन चर्चा हो रही है। बैठक में प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव, लोकसभा चुनाव में पार्टी की प्रदेश में बड़ी पराजय और सदस्यता अभियान के दूसरे चरण को लेकर चर्चा होगी। इस बेहद अहम बैठक में पार्टी विधायक और सांसद भी मौजूद हैं और ये मीटिंग राजधानी के विश्वेश्वरैया सभागार में हो रही है। आपको खबर हो कि यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी के लिए सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी इन सीटों के लिए जीत की रणनीति भी तैयार करेगी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में मिली भारी शिकस्त को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जहां प्रदेश की 80 में से 62 सीटें मिली थी, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये घटकर 33 रह गई। यही नहीं, बीजेपी का वोट शेयर भी इस बार 8.50% तक घट गया है। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, वो भी उनके गढ़ माने जाने वाले प्रदेश से मिला है। अब बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर मंथन कर रही है। लखनऊ में जारी इस मीटिंग में भी इस पर विस्तार से चिंतन और मंथन हो रहा है। हमारे लखनऊ के सूत्रों से जो हमें इनपुट मिला है उसके मुताबिक इस बैठक में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी पर विस्तार से चर्चा होगी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी और 3 पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि अपनी 3 के साथ सपा के कब्जे वाली 5 सीटों पर भी उपचुनाव में कमल खिलाया जाए। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूपी में जो बाई इलेक्शन है उनमें बीजेपी इस बार कुछ कमाल कर पाएगी या सपा को ही लोकसभा चुनावों की तरह बढ़त मिल पाएगी? अपनी कीमती राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की तमाम सियासी खबरों से खुद को अवेयर रखने के लिए हमारे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में एक नई स्कीम लाने जा रही है। वो नई स्कीम है जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता तो 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री देंगे, यानी बिना ब्याज के वह लोन ले सकता है। पहले चरण में 5 लाख तक, दूसरे चरण में 10 लाख तक के लोन को हम उसको ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रभावी होने के बाद लाखों युवाओं को वहां के माध्यम से रोजगार के सृजन की संभावना आगे बढ़ी। आज उत्तर प्रदेश का ODOP दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है, देश के अंदर वह एक ब्रांड बन चुका है। हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वरुण बेवरेजेस जैसे प्लांट यहां पर व्यवसाय के साथ साथ यहां के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करेगी। जिला प्रशासन ने भी इस दिशा में स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मुझे लगता है कि यहां पर अगर हम लोगों को बताएंगे, यहां के इंस्टीट्यूशन को इसके साथ जोड़ करके उनका प्रशिक्षण करवाएंगे, उन्हें इंटर्नशिप के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, तो बड़े पैमाने पर आपको स्किल मैन पावर यही गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। और जो एक लक्ष्य है कि निवेश को हम रोजगार के साथ जोड़ें, इसे प्राप्त होने में भी हमें मदद मिलेगी।